नया टॉपिक पे मूव करते हैं। ओके ओके जहाँ तक हमने डिस्कस किया था लास्ट टॉपिक पे, तो वी आर टॉकिंग अबाउट डीबी स्विच, डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड सर। स्विच। सो बहुत पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था डीबी स्विच के बारे में, जब स्टैंडर्ड स्विच के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो आई थिंक डीबी स्विच का भी थोड़ा बहुत पार्ट कवर किया था, राइट? यस सर, यस सर। सो व्हाट, डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच में यह सर ऑलमोस्ट कवर हो गया था सर। ठीक है, डीबी स्विच में कुछ पॉइंट हम आपको बता देते हैं जो आपको तैयार करना है। जैसे वैसे यस तो सर। बात हो गई है, लेकिन यू शुड नो अबाउट द व्हाट इज यूज ऑफ डीबी स्विच। यस सर। ये पहला ऑप्शन हो गया, ठीक है। दूसरे पॉइंट में कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स आपको तब मिलेंगे जब आप डीबी स्विच को ओपन करेंगे, राइट? यस सर। ठीक है, ये पार्ट हो गया। तीसरा, हाउ टू क्रिएट न्यू डीबी स्विच। देन ऐड पोर्ट ग्रुप इन डीबी स्विच। देन कॉन्फिगर वीएम इन डीबी स्विच, ठीक है। अब मुझे ये बता दो, ये पांच पॉइंट में कितनी चीजें आपकी क्लियर है? सर व्हाट इज यूज ऑफ डीबी स्विच? ये सर क्लियर है सर। कंपोनेंट ऑफ डीबी स्विच, कंपोनेंट ऑफ डीबी स्विच वही सर पोर्ट ग्रुप वगैरह जो आता है सर, जो भी उसके अंदर ऑप्शन दिखेंगे, राइट? पोर्ट ग्रुप हो गया जिसको हम बोलते हैं ना, पोर्ट ग्रुप को क्या बोलते हैं, वीलैन बोलते हैं ना, सो वी लैन, वी यस लैन सर, वी वगैरह, लैन ये सब वगैरह, आपके कंपोनेंट्स कहलाएंगे। यस सर, यस सर। और उसके बाद यस सर, हाउ टू क्रिएट न्यू डी, यस सर हो गया है। ऐड हाँ, पोर्ट ग्रुप इन डीबी स्विच, यस सर ये भी हो गया। कॉन्फिगर वीएम इन डीबी स्विच, सर ये नहीं, फिफ्थ पॉइंट नहीं हुआ है। पांचवा वाला। नहीं सर, फिफ्थ वाला नहीं हुआ है सर। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। सर हम लोग मेनली तो सर डीबी स्विच में ऐड करते हैं ना सर, ये एक्सआई होस्ट को। नहीं, एक बार फिर से बोलो। सर हम लोग जैसे कि जब डीबी स्विच क्रिएट करते हैं, तो उसके बाद तो हम लोग ईएक्सआई होस्ट को ऐड करते हैं ना सर, ताकि उसको नेटवर्क मिले सर डीबी स्विच के थ्रू। देखो, मैं छोटा सा एक इंट्रोडक्शन इसमें छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं। शायद हमने किया, यस आपको सर, याद नहीं है। डीबी स्विच में क्या होता है, डीबी स्विच आप एक क्रिएट करते हैं, प्रैक्टिकली देखते यस हैं ना। सर, यस सर। डीबी स्विच क्या होता है, जस्ट लाइक आवर जिस तरीके से अपने पास ऑन स्टैंडर्ड स्विच होती है ना, उसी तरीके से डीबी स्विच होती है। बट दोनों में डिफरेंट क्या है, डिफरेंट ये है कि डीबी यस स्विच वी सेंटर का पार्ट है और स्टैंडर्ड स्विच सिंगल ई एस एक्स आई का पार्ट है, करेक्ट? यस यस सर, अगर आपको मल्टीपल वर्चुअल मशीन का नेटवर्क बनाना है, लेकिन वर्चुअल मशीन मस्ट बी अ पार्ट ऑफ सेम ई एस एक्स आई होस्ट, यस सर, ठीक है। सेम ई एस एक्स आई होस्ट का अगर पार्ट रहेंगे तो वो स्टैंडर्ड स्विच कैसे कॉन्फ़िगर होंगे, मल्टीपल ई एस एक्स आई है, यस सर, मल्टीपल पी एम है, तो उनको कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच, यस सर। डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच जो अलग अलग एक्सआई होस्ट के जो रहेंगे सर, राइट? वर्चुअल मशीन सर, और डीबी स्विच तैयार करने का जो स्टेप है, जैसे मान लीजिए अभी अपने पास तीन इंस्टेंस रन कर रहे हैं, तीन वीएम रन कर रहे हैं, दो लिनक्स की, एक विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम, करेक्ट? यस सर, आप अपने होस्ट डेटा सेंटर पे क्लिक करो, रीजन 1A जो है इसको हम डेटा सेंटर बोलते हैं, जो कि मल्टीपल ईएसएसआई और क्लस्टर को कंटेन करने का काम करता है। राइट क्लिक करो आप इस पे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच का। दो ऑप्शन है यहाँ पे, इम्पोर्ट डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच और दूसरा है न्यू डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच। तो इम्पोर्ट का मतलब अगर आपके सर, पास पहले से डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच है, आप उसको इम्पोर्ट करना चाहते हैं, तो डीबी स्विच का इस्तेमाल करेंगे, इम्पोर्ट का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें नई डीबी स्विच तैयार करने का, तो आप सिंपल सा न्यू डीबी स्विच पर क्लिक कर देंगे, राइट? राइट सर, यहाँ पे आप नाम दे देते हैं, लाइक हमने दे दिया ट्रेनिंग स्विच, जो कि डीबी स्विच में है, डेटा सेंटर 1 में अवेलेबल है। नेक्स्ट किया, पहले स्टेप में आपको डीबी स्विच बनाना पड़ेगा,
और दूसरे स्टेप में इसके अंदर ESXi ऐड करनी पड़ेगी। अपलिंक वगैरह के बारे में हमने बात की थी कि चार अपलिंक मिल रहे हैं, और अपलिंक का मतलब यह है कि नंबर ऑफ फिजिकल अडाप्टर जो आपके ESXi होस्ट में लगा हो, करेक्ट? करेक्ट सर। ठीक है, तो अभी हम चार पे ही प्रोसीड कर देते हैं। और यहाँ पे देखो नीचे है एक पोर्ट ग्रुप, और पोर्ट ग्रुप क्या कहलाता है? पोर्ट ग्रुप हमारा कहलाता है एक तरीके से VLAN। तो अभी हम यहाँ पे एक पोर्ट ग्रुप का नाम दे देते हैं HR। मल्टीपल पोर्ट ग्रुप आप बना सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और सिंपल सा कर देते हैं फिनिश। एक ट्रेनिंग स्विच के नाम से हमने पोर्ट ग्रुप, एक ट्रेनिंग स्विच के नाम से डीबी स्विच तैयार कर लिया है। बैक आ जाते हैं अब, और जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच है वो कहाँ पे मिलेगा? इस पर्टिकुलर वाले आइकन पे, जो आपका नेटवर्किंग का ऑप्शन है ना, यहाँ पे क्लिक करने के बाद डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच की डिटेल मिल जाएगी, राइट? यस राइट। डीबी स्विच नेटवर्किंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिस्ट आनी चाहिए ट्रेनिंग स्विच। ये पुरानी वाली डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच है जो डिफॉल्ट बनी थी, और ये हमने लेटेस्ट बनाई है अभी जस्ट। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमने एक पोर्ट ग्रुप बनाया है HR के नाम से, करेक्ट? सब कुछ डिफॉल्ट है। अब हम इस HR डिपार्टमेंट पे क्लिक करके वेरीफाई कर लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन्स अवेलेबल है। तो अभी कोई VM नहीं है, और ना ही कोई इसमें होस्ट अवेलेबल है। जीरो होस्ट एंड जीरो VM, करेक्ट? करेक्ट। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम पहले तो अपने होस्ट को यहाँ पे मूव कराएं, उसके बाद फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, VM को मूव कराएंगे, राइट? ठीक है, तो हमने शायद स्टेप भी देखा था किस तरीके से इसको मैनेज करना है। आप आ जाओ बैक आ जाते हैं इस पे स्विच पे, ट्रेनिंग स्विच पे, और राइट क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे पहला ऑप्शन है अपने पास ऐड एंड मैनेज होस्ट। ऐड मतलब नहीं है तो आप ऐड कर लीजिए, है तो उसको मैनेज कैसे किया जाता है। नेक्स्ट किया ऐड अ होस्ट, मैनेज अ होस्ट नेटवर्किंग, रिमूव द होस्ट, तीनों ऑप्शन यहाँ पे मिल गए हमें। ओके सर। तो अभी अपने पास होस्ट नहीं है तो मैनेज और रिमूव तो पॉसिबल ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ऐड होस्ट पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट न्यू होस्ट पे जाओ, जितने होस्ट रहेंगे ना उनकी लिस्ट आ जाएगी। दो होस्ट हैं तो दोनों होस्ट की लिस्ट आ गई, ESX01 ESX02। ओके करेंगे, सिंपल सा नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट अगेन ओके करेंगे, ठीक है, एंड क्रिएट। यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, माइग्रेट वर्चुअल मशीन नेटवर्किंग। क्या आप ESXi होस्ट के साथ साथ VM भी माइग्रेट करना चाहते हैं, तो ये चेक मार्क कर दीजिए, क्लियर? अगर आपको लगता है नहीं VM जो है हम अपने हिसाब से मैनेज करेंगे तो छोड़ दो इसको। नेक्स्ट, जैसे ही हम ESXi ऐड करते हैं उसको, बाकी के जो VMs है ना उनको मैनुअली हम सेट करेंगे। अब आप यहाँ पे देखो होस्ट वाले ऑप्शन में तो दो ESXi दिखने चाहिए हमें, करेक्ट? ये अपने पास दो ESXi आ गए, लेकिन VM अभी भी जीरो है। वर्चुअल मशीन की बात करें तो वर्चुअल मशीन अभी अपने पास क्या है, जीरो है। यहाँ पे कोई भी वर्चुअल मशीन रन नहीं कर रही है, करेक्ट? करेक्ट। ठीक है, अब VM को टारगेट करना है, तो VM टारगेट करने के लिए आप आ जाओ बैक में, यहाँ पे जो भी VM को आपको ट्रांसफर करना है उस VM पे ट्रांसफर क्लिक कर दो, राइट क्लिक करो VM पे, VM की प्रॉपर्टीज पे जाओ, एडिट पे ऑप्शन पे सेलेक्ट करके, और एडिट ऑप्शन पे देखो यहाँ पे नेटवर्क अडाप्टर दिखाई पड़ रहा है। ड्रैग ड्रॉप करोगे ना तो ब्राउज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो आपने HR नाम का बनाया था ना उसकी डिटेल आ जाएगी। तो अपने हिसाब से जिस भी स्विच में, जैसे होता है ना रियल इन्वायरमेंट में मल्टीपल स्विच है, कौन सी केबल कहाँ पे लगानी है, उसी तरीके से यहाँ पे भी वर्चुअली हम सेलेक्ट करके ओके मार देंगे। अब अगर आप ओके करके फिर से जाते हैं HR वाले पॉइंट पे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद तो HR वाले पार्ट में क्लिक किया हमने। अब आप देखो होस्ट तो दो है ही है पहले, VMs भी एक आ गई होगी, क्लियर? ये अपने पास कॉन्सेप्ट होता है। ये जो पांचवा पॉइंट हमने आपको बताया था ना कि पांचवे पॉइंट में हमें व्हाट वी कैन से
configure VM in distributed switch. तो एक तरीके से आप बोल सकते हो adding virtual machine in distributed switch. Add VM in DB switch. Any question? जो आप सर पॉट ग्रुप में चार आपने वो जो नंबर डाले थे जिसके थ्रू मतलब हम चार EXI होस्ट को ऐड कर सकते हैं उसमें पॉट ग्रुप में था ना सर. हाँ कुछ आपने VLAN नंबर डाला था चार तो उसके थ्रू हम लोग चार EXI होस्ट को ऐड कर सकते हैं ना सर उस पॉट ग्रुप में सर. टोटल नंबर ऑफ निक कार्ड मीन्स अपलिंक का मतलब टोटल नंबर ऑफ निक कार्ड जो आपके ESXi में हो सकते हैं. तो इसके नहीं इट्स नॉट मैंडेटरी कि चार आप जोड़ पाएंगे. एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं आपको. चार अपलिंक का मतलब है कि जैसे एक ESXi होस्ट ये हो गया ठीक है एक ESXi होस्ट ये हो गया. अगर ये दोनों ESXi होस्ट दो निक कार्ड कंटेन करके रखे हैं तो नंबर ऑफ निक कार्ड कितने हो गए चार हो गए ना. NIC चार और ESXi होस्ट कितनी है अभी वो तो दो ही है ना. तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपने चार वहां पे अपलिंक सेलेक्ट कर रखा है चार ESXi जोड़ पाएंगे. डिपेंड करता है कि निक कार्ड हो सकता है कि एक ESXi में तीन NIC लगी हो. ओके ओके सर डिपेंड मतलब जितना रिसोर्स उस पे वर्डन पड़ रहा है सर. आपको ये देखना है ना आपको ये देखना है कि टोटल NIC कितनी है और वो NIC कितने ESXi में कनेक्टेड है. ओके ओके सर क्लियर. ओके सर क्योंकि रियल एनवायरनमेंट यस सर जो NIC है सर निक कार्ड है ये निक कार्ड को तो ESXi होस्ट में ऐड करते हैं ना सर. हाँ तो ये ESXi होस्ट है ना भाई. दिस इज ESXi होस्ट ये भी ESXi होस्ट है और इसमें निक कार्ड 1 और निक कार्ड 2. एक छोटा सा क्वेश्चन है ठीक है. हमने एक VM कर्नल पढ़ा था रिमेम्बर. यस सर VM कर्नल काम क्या होता है VM कर्नल का सर. उसमें जैसे सर हम लोग VMotion वगैरह यूज करते हैं सर. VMotion नहीं VMotion इज अ फीचर ऑफ आवर निक कार्ड सॉरी स्टैंडर्ड स्विच. यस सर VM कर्नल आई थिंक सो सर सर याद नहीं है सर. सर VM कर्नल का यूज सर हम लोग स्टैंडर्ड स्विच जो इसके अंदर अवेलेबल होगी राइट. इफ यू रिमेम्बर हमने शेयर स्टोरेज भी डिस्कस किया था. और शेयर स्टोरेज में डिफरेंट डिफरेंट लॉजिकल यूनिट नंबर. यस सर ठीक है. तो यस सर VM कर्नल की रिस्पांसिबिलिटी ये होती है द वर्क ऑफ VM कर्नल टू मैनेज शेयर स्टोरेज. ओके ओके यस सर शेयर स्टोरेज को मैनेज बर्डन को डिवाइड करने के लिए लोड को डिवाइड करने के लिए ट्रैफिक को डिवाइड करने के लिए हम VM कर्नल का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो हमारा लोड है ना ठीक है ना जो VM का हमने ट्रांसफर कर दिया अलग उनको अलग रूट प्रोवाइड कर दिया NIC 1 से ठीक है ना. और जो स्टोरेज सर्विसेज है उसको हमने NIC 2 से अटैच कर दिया. आप ऐसा कर सकते हैं या आपको याद होगा तो हमने एक NIC टीमिंग भी पढ़ी थी. यस सर निक टीमिंग पढ़ी थी. तो एक से ज़्यादा निक कार्ड तो मतलब रियल एनवायरनमेंट में तो मोस्टली 75% ऑर्गेनाइजेशन अगर उन्होंने अपना इन्वायरमेंट जो है ESXi और VMware की हेल्प से स्टैब्लिश किया है तो 100% वो एक ESXi में एक से ज़्यादा निक कार्ड जरूर ऐड करेंगे राइट. क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि नेटवर्क को मैनेज करना और ट्रैफिक को अच्छे तरीके से स्मूथ तरीके से रन कराना करेक्ट. यस एनी क्वेश्चन यहाँ तक कोई क्वेश्चन. नो सर
ठीक है। तो स्टैंडर्ड स्विच एक ही SXI में अवेलेबल होता है, जिसकी हेल्प से आप अपने इन्वायरमेंट में नेटवर्क को इस्टेब्लिश करते हो, जो भी VMs है। DB स्विच की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, एज पर द डिस्कशन, एज पर द प्रैक्टिकल हमने यहाँ पे देखा कि एक सिंगल डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच, यहाँ पे जाए तो एक सिंगल डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच जो है ना, मल्टीपल होस्ट को कनेक्ट करके रखा है। आप देखियो यहाँ पे मल्टीपल होस्ट को कनेक्ट करके रखा है, इज इट ओके? ठीक है। आपका क्वेश्चन था ये कि कैसे हम समझ पाएंगे कि हमारी वर्चुअल मशीन्स कनेक्टेड है नहीं कनेक्टेड है ना, तो बहुत ही सिंपल सा तरीका, एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल हम आपको बताते हैं। रियल एनवायरनमेंट की केस की बात करें, मान लीजिए ये आपके पास सिस्को का स्विच लगा है, राइट? और इस सिस्को के स्विच में 24 पोर्ट्स अवेलेबल है, ठीक है, 24 पोर्ट अवेलेबल है। रिमेंबर, आप अगर देखो तो इसमें जितने भी पोर्ट्स हैं ना, उन पोर्ट के लिए ना एक LED का पैनल रहता है। चाहे आप सिस्को की स्विच परचेज करो या नॉर्मल स्विच परचेज करो, हर एक पोर्ट के साथ एक LED इनबिल्ट रहती है, इज इट करेक्ट? यस सर, LED। या तो पोर्ट अलग रहेगा, LED अलग रहेगी, वो मॉडल नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, राइट? यस सर। अगर आपने केबल इंसर्ट किया है तो क्या दिखेगा, LED ब्लिंक करेगी ना? यस सर, ब्लिंक करेगा। अगर पोर्ट उसमें कोई भी अवेलेबल नहीं तो LED ऑफ रहेगी। यस सर। क्लियर ना? यस सर, क्लियर। ठीक है, अब ये तो फिजिकल की बात हो गई, थोड़ा सा चीजों को समझना आसान है, लेकिन अगर यही चीज अगर आप VMware के एनवायरमेंट पे बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारी हेल्प करता है ना, वो है मॉनिटरिंग का पैनल। ओके ओके सर। ठीक है, अब ऐसे तो मान लीजिए अभी अपने सिस्टम में बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे हैं, ठीक है ना, मतलब मोर देन 100 कंप्यूटर्स लगे हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा कि यार एक मशीन तो को देखना, उनके चीज़ों को चेक करना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा कि क्या स्टेटस है। लेकिन अगर आप मॉनिटरिंग पैनल पे क्लिक करोगे ना, तो मॉनिटरिंग के केस में रिसेंट टास्क, एन नंबर ऑफ ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, ऑल इशूज, ट्रिगर्ड अलार्म, टास्क एंड इवेंट्स, ये सभी ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं हमें। क्लियर, बेसिक से स्टार्ट करते हैं, इवेंट से स्टार्ट करते हैं, टास्क एंड इवेंट, इशू एंड अलार्म, ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। द मॉनिटरिंग पैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच इज कैटेगराइज इन टू डिफरेंट पार्ट, इशूज एंड अलार्म, टास्क एंड इवेंट्स, करेक्ट? आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हो और आपकी जिम्मेदारी है टू मैनेज द वर्चुअल इन्वायरमेंट, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे 5 ESXi, 1 vCenter सर्वर, 2 शेयर स्टोरेज और लगभग 25 के आसपास वर्चुअल मशीन आपकी जिम्मेदारी है। क्लियर? सो आपको देखो, पहले टास्क और इवेंट की बात करें, तो टास्क और इवेंट का मतलब ये है कि रिसेंटली आपने क्या टास्क परफॉर्म किया, कोई VM ऐड की, कोई VM रिमूव की, गॉट इट, किसी को माइग्रेट किया, ये सारे जो चीजें आती हैं वो आपकी किस में आएगी, टास्क में आएगी। क्लियर? इवेंट्स की बात करें तो हर एक एक्टिविटी पे ठीक है, मशीन ऑन हुई, ऑफ हुई, केबल निकला या इंसर्ट किया आपने, हर एक एक्टिविटी पे इवेंट्स जनरेट होता है, कहते हैं ना इवेंट लॉग। सो इवेंट लॉग क्या है, एक पावरफुल टूल है जिसकी हेल्प से आप बोल सकते हो कि जो भी एक्टिविटी होगी इनकमिंग या आउटगोइंग की, उन सभी इंफॉर्मेशन को एक तरीके से ये कंटेन करके रखेगा। क्लियर? क्लियर। हमने क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने क्या किया, टास्क में जाके देखो ना, तो पूरी इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि DB पोर्ट ग्रुप आपने बनाया है विद नेम ऑफ HR, और इस HR के अंदर थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर देते हैं, रीजन मतलब जो आपका डेटा सेंटर है, रीजन A01 वाज एडेड टू द स्विच ट्रेनिंग। स्विच ट्रेनिंग क्या है हमारा सर, ये हमारा सर डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच है। डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच के अंदर आपने आपने एक ESXi होस्ट को ऐड किया, उस ESXi होस्ट के अंदर एक वर्चुअल मशीन आपने कनेक्ट की, करेक्ट? यस सर। ठीक है, तो सारा डिटेल इसमें, यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब एक दूसरा एग्जांपल देते हैं, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हम जा रहे हैं, यहाँ पे VM में ना इसको रिमूव करने, ठीक है, और चेक करते हैं क्या यहाँ पे इवेंट जनरेट होता है या नहीं। तो रिमूव करने के लिए आप VM पे राइट क्लिक करो, एडिट सेटिंग पे जाओ और HR है ना, हटा देते हैं यहाँ पे।
ब्राउज पे जाके इसको डिफॉल्ट वाली लोकेशन में भेज देते हैं, कहीं पे भेज दो, कोई इशू नहीं है ना, हमें टोटल मिला के एचआर से इसको रिमूव करना है। क्लियर? यस सर, क्लियर। यहां से चीजें गायब हो गई, बैक टू द मॉनिटर, एचआर पे ही रहना है आपको, बैक टू द मॉनिटर, टास्क एंड इवेंट्स पे जाएंगे, ठीक है? थोड़ा सा टाइम लगेगा, यहाँ पे आपको जो इवेंट्स मिलेगा वो ऑप्शन आपको दिखाएगा टू रिमूव, आपने जो वीएम को क्या किया है यहाँ से हटा दिया है। क्लियर? तो जो इवेंट्स है, इवेंट कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट योर एक्टिविटी। अब मैं दूसरे वाले एक दूसरा एग्जांपल देखता हूँ यहाँ पे, इस बार हम दो वीएम कनेक्ट करते हैं, ठीक है, विंडोज 10 को कनेक्ट करते हैं। एक वीएम ट्रांसफर हो गई, टिनी लिनक्स को भी क्लिक करते हैं, एडिट पे जाते हैं, वी सक्सेसफुली माइग्रेटेड टू वर्चुअल मशीन इन एचआर डिपार्टमेंट। अब आ जाओ वीएम में, यहां पे दोनों वर्चुअल मशीन आ गई, करेक्ट? यस सर, ठीक है। मॉनिटर पैनल में आओ, इवेंट्स पे जाओ, इस इवेंट को जब आप रीड करेंगे ना, इस इवेंट को जब आप रीड करोगे तो जो लेटेस्ट की एक्टिविटी है वो सारी एक्टिविटी आपको यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? यस सर, ठीक है, यस सर, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे है ट्रिगर्ड अलार्म और ऑल इशूड। ट्रिगर्ड अलार्म, इसके लिए आपको एसएमटीपी प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे कोई भी अलार्म कॉन्फ़िगर नहीं है क्योंकि हमें पहले एसएमटीपी प्रोटोकॉल को लगाना पड़ेगा, राइट? सो एसएमटीपी प्रोटोकॉल क्या होता है? जो मेलिंग सर्विस, आपको एक होस्ट डोमेन चाहिए आपका, चाहे वो आप ऑफिस 365 के अकाउंट पर लगा दो या गूगल सूट पर लगा दो, कहीं पर भी आपका डोमेन रन करना चाहिए, उस डोमेन को यहाँ पर हम अटैच करेंगे। डन? ओके ओके। इशूड की बात करें तो इशूज अभी कोई भी नहीं है। अगर यहाँ पे कोई इशू जनरेट होता, नेटवर्क डिसकनेक्ट होता या और कोई प्रॉब्लम आती तो आपको यहाँ पे प्रॉपर लिस्ट मिल जाती। तो किसी से डिस्कस करने की, किसी पर्टिकुलर मशीन को पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आप कनेक्टेड हो या नहीं कनेक्टेड हो। हम सिंपल सा ऑल इशूज पे क्लिक करेंगे, उस डिपार्टमेंट में जा करके, उस वी लैन में जा करके, और वहीं से पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे। क्लियर? ओके ओके। चलिए, समरी में क्लिक करने पर एक तरीके से आपको बेसिक सी डिटेल मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे अपने पास टोटल कैपेसिटी है, समरी में जाके देखें तो टोटल कैपेसिटी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है 8, और कितना यूज कर लिया आपने सर? दो यूज है। फ्री कितना है? 6। 36 है। मतलब एचआर डिपार्टमेंट का जो आपने पोर्ट ग्रुप बनाया है ना, उस एचआर डिपार्टमेंट की पोर्ट ग्रुप की कैपेसिटी थी कितनी? 8, जिसमें से आपने 2 कंज्यूम कर ली और 6 अभी भी रिमेनिंग बची है, करेक्ट? करेक्ट, ठीक है। सो हमें यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कोई भी हेडेक लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कहाँ पे क्या कनेक्टेड है वो आपको एक सिंगल क्लिक पे मिल जाएगा। एलईडी नहीं है, लेकिन एलईडी से बेटर तरीके से हम यहाँ पे चीजों को मॉनिटर कर पाएंगे, करेक्ट? यस सर, यस। अब आप देखो पोर्ट्स में जाके देखोगे ना, तो 8 पोर्ट जो है, 8 पोर्ट जो है, 0 to 7, 0 to 7 जो पोर्ट्स अवेलेबल है यहाँ पे। देखो अप लिंक, जो लिंक अप का मतलब है कि सिस्टम चल रहा है। चलो यहीं पे एक छोटा सा और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी क्या दिखाई पड़ रहा है? अप है ना, ये लिंक अप है ना। Yes, मशीन हम बंद करने जा रहे हैं, ठीक है, एक इंस्टेंस को बंद कर देते हैं, विंडोज 10 बंद कर देते हैं, ठीक है, टर्न ऑफ कर देते हैं इसे, और थोड़ी देर बाद फिर से चेक करते हैं अपलिंक वाले पैनल की क्या स्टेटस है। हेलो, यस सर, यस सर, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? यस सर, आवाज आ रही है सर। ठीक है, बैक टू द नेटवर्किंग।
HR डिपार्टमेंट, पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं थोड़ा सा। अब आप बताओ क्या दिखा रहा है। लिंक डाउन बता रहा सर। तो आपको किसी से कोऑर्डिनेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी ना? नहीं सर। कौन सा इंस्टेंस डाउन है ये भी हमें मालूम पड़ रहा है, विंडोज 10। यस सर। विंडोज जो टिनी लिनक्स है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपलिंक है। तो इट मींस दैट मतलब एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए वीएमवेयर एडमिनिस्ट्रेटर, हमें किसी से कोऑर्डिनेट नहीं करना है। आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन है, कौन सा वीएम टर्न ऑन है, कौन सा वीएम टर्न ऑफ है, किसका नेटवर्क डाउन है, किसका नेटवर्क अप है, वो आपको यहीं से मिल जाएगी पूरी इंफॉर्मेशन। जैसे ओके ओके। एनी क्वेश्चन? नो सर। और सर ये तो सर नेटवर्क का हो गया सर, और इन केस अगर सर कोई इशू आता है डेटा स्टोर में सर, हाँ, स्टोरेज के पार्ट में, तो वो कैसे पता चलेगा, उसमें बहुत कैसे मॉनिटर? बहुत ही आसान है, डेटा स्टोरेज की अगर बात करें तो बहुत ही आसान है। डेटा स्टोरेज अ सेपरेट पार्ट, डेटा स्टोरेज इज अ सेपरेट पार्ट, ठीक है। अगर वो डाउन होगा तो जाहिर सी बात है आपको इस वाले पैनल पे क्लिक करना पड़ेगा ना फिर तो। यस सर। ये डेटा स्टोर का पैनल है, दो डेटा स्टोरेज कनेक्टेड है यहाँ पे, वो तो इजीली दिखाई पड़ जाएगा। आप इस रीजनल पे रीजन पे क्लिक करेंगे ना तो जो नंबर ऑफ डेटा स्टोरेज है उनकी लिस्ट आ जाएगी। आप देखो यहाँ पे, ठीक है, सिंपल सा क्लिक करेंगे यहाँ पे, दोनों नॉर्मल कंडीशन में है, कितनी कैपेसिटी बची है, कितना कंज्यूम हो चुकी है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। okay. किस प्रोटोकॉल से आपने कनेक्ट कर रखा है वो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। तो डेटा स्टोर को चेक करने के लिए जैसे अभी आप लिंक और डाउनलिंक आपने देखा ना, yes, sir. उसी तरीके से यहाँ पे ये नॉर्मल नहीं रहेगा, यहाँ पे रेड आ जाएगा और ग्रेड आउट आ जाएगा जो कि डिसकनेक्टेड का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। ओके, ग्रेड आउट शो करने लगेगा सर। करेक्ट। ओके ओके सर। और सर एक और क्वेश्चन था सर, जैसे वीएम्स को कैसे पता चलेगा कि सारे वीएम्स एक्टिव हैं या फिर कोई डाउन भी हो चुका है, वीएम को कैसे मॉनिटर करें? नो सॉरी, वीएम मतलब सॉरी सर जो वर्चुअल मशीन्स है। हाँ हेलो। हाँ हाँ सर, उसको मतलब उसको कैसे मॉनिटर करेंगे कि सारे वीएम्स हेल्दी स्टेट में है या फिर कोई वीएम डाउन भी है, डाउन भी हो गया वर्चुअल मशीन? नहीं, ये तो आपको यहीं से मिलेगा ना, नेटवर्किंग से मिल जाएगा। ओके। सी नेटवर्किंग, वीएम डाउन है, डिसकनेक्टेड है या कोई प्रॉब्लम है, आप यहाँ पे अगर वो डाउन दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे डाउन लिंक डाउन दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना, इट मींस दैट वो वीएम हमारे एनवायरमेंट में तो अवेलेबल है, बट या तो केबल डिसकनेक्ट है, केबल चांसेस नहीं है डिसकनेक्ट हो जाए क्योंकि वर्चुअल है, मशीन हमारी टर्न ऑफ है या उसमें कोई प्रॉब्लम है। ओके ओके सर। तो वो चीज हम यहाँ से मैनेज कर पाएंगे ना? यस सर। ठीक है, तो देखो ये ऑप्शन आपको दोनों जगह पे मिलेगा, ये ऑप्शन आपको दोनों जगह पे मिलेगा, स्टैंडर्ड स्विच में भी मिलेगा और डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच में। तो हमें माइंड ये सेटअप करके रखना है कि मॉनिटरिंग का जो पैनल है ना वो काफी इम्पोर्टेंट है। यस सर। ओके ओके सर। यस। सो सर, और ऐसा भी क्या है सर जो कि ईएक्सआई होस्ट होस्ट बाय होस्ट हम लोग देख सकते हैं कि वर्चुअल मशीन सारे नॉर्मल स्टेट में हैं? बिल्कुल, होस्ट बाय होस्ट तो बहुत ही आसान हो जाएगा। ये ईएसएक्सआई पे क्लिक किया हमने, ठीक है, वीएम्स पे क्लिक किया, सभी अच्छे तरीके से रन कर रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं। ईएसएक्सआई 2 पे क्लिक करो, दो वर्चुअल मशीन है, नॉर्मल कंडीशन में है, रनिंग प्रॉपर तरीके से चल रही है। तो ईएसएक्सआई नॉर्मल मींस हेल्दी स्टेटस है, वो टर्न ऑन है, उसपे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। ओके ओके सर। ओके फाइन सर। क्लियर? तो अभी तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच की बात कर रहे थे, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पहले हमें स्विच बनानी है, ठीक है, और स्विच के अंदर हमें अगर चाहते हो तो, अगर इफ यू वांट तो यू कैन जस्ट क्रिएट अ मल्टीपल पोर्ट ग्रुप। जो मल्टीपल पोर्ट ग्रुप है वो क्या कहलाएगा, वो वीलैन कहलाएगा, आप बोल सकते हो कि तरीके का वीलैन होगा। डन? यस सर, डन। कूल, चलो अनदर ऑप्शन जो यहाँ पे है उनको भी हम देख लेते हैं कि क्या क्या एक्टिविटी हम परफॉर्म कर सकते हैं विद how many
हाउ मेनी ऑप्शन आर अवेलेबल इन अवर डीबी स्विच, और उसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है वो सारी चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं, राइट? ना ट्रेनिंग स्विच हमने तैयार किया था, राइट? ट्रेनिंग स्विच हमने तैयार किया था, और इसके अंदर मॉनिटरिंग का पैनल सबसे पहला ऑप्शन है, राइट? मॉनिटरिंग के पैनल के अंदर सेम ऑप्शन इवेंट्स का, टास्क का, है ना? तो जो मॉनिटरिंग पैनल है आपका मेन स्विच का, उसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हैं पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे हर एक इवेंट्स की अपनी एक वैल्यू है। तो बेसिकली क्या होता है, इवेंट रीडर भी आता है जो इवेंट को हम रीड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हम अपने जो भी इवेंट्स है ना उसको हम विद द हेल्प ऑफ टूल, विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ इवेंट व्यूअर टूल हम यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं चीज़ों को। सर ऐसा कुछ हो सकता है सर, जैसे कि मतलब पता चल जाए कि अगर कोई नेटवर्क चेंज किया है एडमिन लेवल पे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत सारे लोगों को एसएस मिला रहता है सर, 6 to 7, अगर कोई बंदा चेंज कर देता है और किसी पे ब्लेम कर देता है कि नहीं वो चेंज किया है, तो उसके थ्रू पता चल सकता है सर। हाँ ये नेटवर्क चेंज, ये इवेंट के थ्रू आप कंफर्म कर सकते हो ना कि क्या कहाँ पे क्या चेंजेस है। चलो ठीक है, नेक्स्ट चल सकते हैं अभी आगे हम। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन पैनल, जिसमें आपको सिंगल क्लिक पे, कॉन्फ़िगरेशन वाले पैनल पे सिंगल क्लिक पे पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। स्विच नेम, टाइप्स ऑफ ESXi वर्जन, नंबर ऑफ अपलिंक्स, नंबर ऑफ पोर्ट्स, ठीक है ना, और IO कंट्रोल इनेबल्ड, MTU 1500 समथिंग करके आस पर डिफॉल्ट जो है। टोपोलॉजी पे क्लिक करेंगे तो ये आपको GUI पैनल दिखा देगा। टोपोलॉजी पे क्लिक करने के बाद ये आपको GUI का पैनल दिखाई पड़ेगा, जिसमें से ये चार डिफरेंट अपलिंक दिखाई पड़ रहे हैं, और ये HR डिपार्टमेंट, जिस HR डिपार्टमेंट के अंदर दो वर्चुअल मशीन, एक बंद है एक चालू है, करेक्ट? ये ग्रीन सिंबल का मतलब है, भी पता चल जाएगा ना सर। हाँ बहुत सारे तरीके हैं, यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, प्राइवेट विलेन हमने अभी तैयार नहीं किया, बिकॉज हमने पूरा पूरा पोर्ट ग्रुप बना रखा है, ठीक है। नेटवर्क फ्लो यहाँ पे अभी कुछ है नहीं, डेटा का कम्युनिकेशन कुछ हो नहीं रहा है, इस वजह से यहाँ पे जीरो दिखाई पड़ रहा है आईपी एड्रेस वगैरह। पोर्ट मिररिंग की बात करें तो पोर्ट मिररिंग क्या होता है, जस्ट क्रिएट अनदर कॉपी ऑफ योर सिंगल पोर्ट। जो पोर्ट है उसकी एक दूसरी कॉपी अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो पोर्ट ग्रुप पोर्ट मिररिंग का इस्तेमाल करेंगे, और ये क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्ट ग्रुप की जो पोर्ट है उसका एक मिरर बना देगा, डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्ट मिररिंग, ठीक है। नेक्स्ट करो आप, यहाँ पे कोई सा भी नाम दे देते हैं, लाइक HR क्लोन, ठीक है। नेक्स्ट एंड फिनिश, ठीक है। यहाँ पे एक पोर्ट ग्रुप आपने बना दिया, किस नाम से? HR क्लोन, HR क्लोन के नाम से। तो जो एक्टिविटी है जो आप नॉर्मली एचआर में परफॉर्म करते हैं वो सभी एक्टिविटी हम यहाँ से परफॉर्म किया जा सकता है, बट इतना ज़्यादा डीप जाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, क्योंकि मोस्टली हम कोशिश करते हैं कि नॉर्मल तरीके से चीज़ों को मैनेज करें, बिकॉज यू नो दैट कि फिर इसमें नेटवर्किंग का इशू हो सकता है अगर हम ऐसा कोई एक्टिविटी करते हैं तो। हेल्थ चेक विच इज रिस्पॉन्सिबल टू मॉनिटर एंड वेरीफाई हेल्थ चेक के केस में यहाँ पे अगर आप विलेन की एक्टिविटी को मॉनिटर करना चाहते हैं, एक तरीके से मॉनिटरिंग पैनल ये भी है, और इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं,
हम जो एक्टिविटी है अपने इन्वायरमेंट की वो हम मॉनिटर कर सकते हैं। तो अभी इनेबल डिसेबल है, इसको इनेबल कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें जो भी टास्क होगा, जो भी चेंजेस होंगे, वो आपको मीन्स एक तरीके से अलर्ट के तरीके से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े आगे। ठीक है, दिस इज द सिस्टम ट्रैफिक। और सिस्टम ट्रैफिक की अगर हम बात करें तो सिस्टम ट्रैफिक के अंदर मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, और इस ऑप्शन की जो मींस ये जो ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं ये आपके ट्रैफिक के डिवाइडेशन है। मीन्स अगर ICAG ट्रैफिक अलग जाएगा, NFS ट्रैफिक अलग जाएगा, वर्चुअल मशीन में डेटा का कम्युनिकेशन है, VSAN वगैरह है, तो ये सेपरेट जाएगा। इसकी हेल्प से जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट की नेटवर्क और उसकी नेटवर्क की स्पीड बताएगी सर। ये नहीं, लिखा 0 Mbps। हाँ, ये स्पीड दिखाएगी और रन करेगा, डेटा टाइप भी दिखाएगा। डेटा टाइप इन द सेंस कि कौन सा डेटा किस तरीके से आपका कम्युनिकेट कर रहा है इन्वायरमेंट के थ्रू। यस सर। ठीक है, ये बेसिक सी कुछ इंफॉर्मेशन हो गई अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच। ठीक है, सो 2 मिनट का टाइम लो, एक बार गो थ्रू करो और बताओ कि कोई क्वेश्चन हो तो। सर क्लियर है सर, कंटिन्यू कर दीजिए सर। ओके, ठीक है, पोर्ट ऐड करना, वर्चुअल मशीन को ऐड करना, ये सारी चीजें हो गई। नेक्स्ट आ जाते हैं बैक मेन पेज पे, और हमने एक आई थिंक डिस्कस किया था कि अबाउट टास्क शेड्यूलिंग, राइट? यस सर, टास्क शेड्यूलिंग, लाइक अपने आप VM क्रिएट करना या फिर उसमें अपने आप वर्चुअल मशीन को डिलीट करना, स्टोरेज ऐड करना, तो टास्क शेड्यूलिंग एक ऑप्शन था हमने जो बात की थी। Yes, sir. अब आप देखो यहाँ मॉनिटरिंग कंसोल में एन नंबर ऑफ ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, लाइक एज अ होस्ट प्रोफाइल, इवेंट कंसोल, है ना, वीएम स्टोरेज पॉलिसी, लाइफ साइकिल मैनेजर, विच इज हेल्प अस टू लाइफ साइकिल मैनेजर के जरिए आप जो इन्वायरमेंट है ना ESXi को अपडेट किया जाता है। अभी हम उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। Okay, sir. पहले टास्क कंसोल पे क्लिक करते हैं हम। ओके सर। टास्क कंसोल कैन प्रोवाइड यू इंफॉर्मेशन अबाउट, टास्क कंसोल कैन यू प्रोवाइड यू इंफॉर्मेशन अबाउट द एवरी टास्क, जो भी टास्क आप परफॉर्म करेंगे ना उन सभी टास्क की इंफॉर्मेशन को आपको ये प्रोवाइड करेगा। ओके सर। सर ये 24 आवर्स का वो बताता है सर। हाँ, कि 24 आवर्स के अंदर का एक्टिविटी जो हुआ है, जो भी एक्टिविटी कर रखे हैं उनकी इंफॉर्मेशन आएगी। ठीक है, पावर ऑन पावर ऑफ, जो भी एक्टिविटी आपने यहाँ पे चेंजेस किया है ESXi ऑन होने के बाद, इन्वायरमेंट ऑन होने के बाद, सो लास्ट 24 आवर की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता रहेगा। नॉट लास्ट 24 आवर, एवरी टास्क यहाँ पे ना okay. हर एक टास्क को आपको इन्फॉर्म करेगा कि आपने क्या टास्क परफॉर्म किया। लाइक यहाँ पे देखो
अलग अलग डेट में जो भी एक्टिविटी हुई है उनकी पूरी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है। फुल टास्क बताएगा सर, कंप्लीट डिटेल्स। हाँ इवेंट एंड कंसोल क्या है? इवेंट कंसोल जस्ट कंटेन इवेंट्स रिलेटेड टू आवर एक्टिविटी। ओके ओके सर, जो भी टास्क परफॉर्म करेंगे कभी भी, ठीक है ना, वो आपको यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। ओके ओके सर। इट कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल, एक तो हमने देखा था कि एक इंडिविजुअल एक्टिविटी का, लेकिन ये जो रहेगा ये पूरी इंफॉर्मेशन को कंटेन करेगा, जो भी चेंजेस हमने कर रखे हैं उनकी सबकी इंफॉर्मेशन को ये कंटेन करने का काम करेगा। ठीक है, एक ऑप्शन यहाँ पे हमें देखना है। VM कस्टमाइजेशन है, स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले लें 5 मिनट का। हेलो, ओके ओके, यस सर, यस सर, बस 5 मिनट में कनेक्ट ओके करते हैं। ओके ओके सर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ अबाउट होस्ट प्रोफाइल? यस सर, हो गया सर, क्लियर। यहाँ पे देखो होस्ट प्रोफाइल में दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, एक्सट्रैक्ट होस्ट प्रोफाइल, इंपोर्ट होस्ट प्रोफाइल, राइट? एक्सट्रैक्ट होस्ट प्रोफाइल का मतलब आप अपने ही CSXI की सेटिंग को बना के रख लेना चाहते हैं, बाद में जब जरूरत पड़ेगी किसी दूसरे CSXI होस्ट को देने की तो आप डायरेक्टली मैप करा देंगे, राइट? यस सर, राइट। चलिए CSXI 2 का, CSXI 1 का हम एक एक्सट्रैक्ट करा लेते हैं पॉलिसी प्रोफाइल। नेक्स्ट होस्ट प्रोफाइल का नाम दे देते हैं CSXI 1 क्लोन, ठीक है, फिनिश। सर मैपिंग का मतलब क्या होता है सर? मैपिंग का मतलब आपने बोला मैप, कॉपी कॉपी कॉपी, एक एक की सेटिंग दूसरे दूसरी ये सच्चाई पे कॉपी कर देना। ओके ओके सर। चलिए एक क्लोन आपने बना दिया, यहाँ पे प्रोफाइल की डिटेल्स आ गई। अब दूसरा ऑप्शन है इंपोर्ट होस्ट प्रोफाइल। इम्पोर्ट होस्ट प्रोफाइल का मतलब जो आपने क्लोन बनाया है ना, उस पर्टिकुलर क्लोन को या जो अपने पास CSXI है उस क्लोन को ना आप अपने कंप्यूटर पे रखना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे। CSXI क्लोन प्रोफाइल, ठीक है, ठीक है। सॉरी, ये क्या करेगा बेसिकली, ऑन प्रमाइसेस से जो प्रोफाइल है ना जो हम डाउनलोड करेंगे, क्योंकि ये ब्राउज दिखा रहा है ना तो यहाँ से एक्सेस करने की बात कर रहा है। अगर आपने कोई प्रोफाइल डाउनलोड करके रखी है, लेट मी चेक, अगर ये डाउनलोड हो जाती है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट, हाँ अच्छा ठीक है, एक्सपोर्ट करा लो। यस सर। टाइम लगेगा, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। यस सर, ओके ओके सर। चलो VPF के नाम से ये क्लोन बन गया। यस सर।
चलो अब आप बैक आ जाओ फिर से। होस्ट प्रोफाइल पे क्लिक करो, इंपोर्ट होस्ट प्रोफाइल पे क्लिक करो, चूज पे जाओ, कहाँ पे था ये डाउनलोड में अवेलेबल है राइट, सेलेक्ट करो और ओपन करा दो एंड ओके। इंतजार थोड़ा सा। एक प्रोफाइल बन गई हमारी। मान लीजिए आप ये वेबसाइट डिलीट करना चाहते हैं ठीक है, लेकिन उसकी जो सेटिंग्स है वो आप बचा के रखना चाहते हैं, गॉट इट, सेटिंग्स को बचा के रखना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे उस इस प्रोफाइल को एक्सपोर्ट करा लोगे, और जब भी किसी पर्टिकुलर ये ESXi होस्ट के ऊपर वो चीज़ें मैनेज करनी है तो आप उसको इम्पोर्ट करा लेंगे। इम्पोर्ट कराने से जो लोकल में प्रोफाइल रहेगी वो आपकी डायरेक्टली उठ करके कहाँ पे आ जाएगी, होस्ट प्रोफाइल के अंदर आ जाएगी। होस्ट है, यस सर, करेक्ट, यस सर, जो हम लोग डाउनलोड करके रखे हैं सर, राइट, जो हम डाउनलोड करेंगे वो डायरेक्टली यहाँ पे आप उसको कैरी करा सकते हैं, राइट, इम्पोर्ट हो जाएगा सर, यस सर। क्लियर यहाँ तक? यस सर, क्लियर, ठीक है। और स्टोरेज पॉलिसी हम एंड कंपोनेंट्स की बात करें तो यहाँ पे स्टोरेज पॉलिसी एंड कंपोनेंट ये डिफ़ॉल्ट है, लेकिन आप यहाँ पे अपने हिसाब से नई पॉलिसी बना सकते हैं, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। वी हैव ए नंबर ऑफ पॉलिसी, यहाँ पे इनक्रिप्टेड जो सिक्योरिटी के लिए या IO कंट्रोल के लिए आप अपने आप हिसाब से यहाँ पे प्रोफाइल बना सकते हैं, लेकिन ये तब किया जाता है जब बहुत बड़ा इन्वायरमेंट हो और बेसिकली L3 लेवल तक के लिए एक्टिविटी है, तो कन्फ्यूजन नहीं करना है यहाँ पे। यहाँ पे केवल प्रोफाइल का कॉन्सेप्ट याद रखना कि प्रोफाइल के थ्रू जो हमारी ESXi की एग्जिस्टिंग सेटिंग्स है ना, उस ESXi होस्ट की एग्जिस्टिंग सेटिंग को मैनेज करने का काम करते हैं। डन डन डन, ठीक है। तो ये बेसिक सी बात हो गई रिलेटेड टू द प्रोफाइल, VM स्टोरेज पॉलिसी और होस्ट प्रोफाइल, ये दोनों चीज़ें अलग दिखा दी गई है, बस इसके पार्ट है। लाइफ साइकिल मैनेजर और शेड्यूलिंग टास्क ये हम कल परफॉर्म कर लें, ओके सर, ठीक है। तो कल हम इसका लास्ट सेशन रख रहे हैं और जो भी रिमेनिंग कंटेंट है उनको हम फाइनल कर लेंगे, ठीक है। और सर ट्रेवल शूटिंग का पार्ट अब बोले थे सर, ट्रेवल शूटिंग का एक क्लास रख लेते हैं, मतलब 1.5 घंटे तक की, और उसमें हम आपको कुछ केस सर बना देते हैं, क्योंकि मुझे ना केस जो है पुराने जो है ढूंढ के निकालना पड़ेगा, तो एक क्लास हम कर लेते हैं, एक फ्राइडे को कर लेते हैं, ओके सर। कल कंटेंट खत्म कर लेंगे, कल कंटेंट खत्म कर लेंगे और फ्राइडे को हम क्या कहते हैं ट्रबल शूटिंग का पार्ट मैनेज कर लेंगे, ठीक है, फ्राइडे को सर, फ्राइडे को, ओके ओके सर, नो इशू सर, कल सेम टाइम है सर 11 बजे, ओके ओके सर। सर मेरे को ये रिकॉर्डिंग अभी भेज दीजिएगा, मैं अभी कन्वर्ट करके भेज रहा हूँ, ओके ओके सर। सर और आप CM उसका बताया था सर, पुट्टी का जो कमांड लाइन का वो बताया था, हाँ ट्रबल शूटिंग में आएगा, ट्रबल शूटिंग में आएगा ना वो, ट्रबल शूटिंग के पार्ट में आएगा ना वो, ओके ओके सर, ठीक है चलो, ओके ओके सर, थैंक यू, यू वेलकम, बाय।